खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का और इस खास कार्यक्रम के अब अगले सत्र की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो जुड़ा हुआ है महिलाओं के कल्याण से। हमारे साथ खास मेहमान यहां पर स्टेज पर मौजूद हैं और चलिए हम सीधा आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इसके साथ ही यहां पर समाजवादी पार्टी की महिला नेता और मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही ऐसे चेहरे जिन्होंने जैसे ही सत्ता में कदम रखा, सत्ता की गलियारों में इनके चेहरे के ही साथ ही राजनीति भी एक अलग ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई। तो इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को शुरू करने के लिए मैं यहां पर इंडिया न्यूज के डिप्टी एडिटर और सीनियर एंकर सुशांत सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। सुशांत, मंच अब आपके हवाले। शुक्रिया शरीन। और देखिए, कोई भी राज्य हो, समाज हो, वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता और बेहतर नहीं कर सकता जब तक वहां की महिलाएं बेहतर न कर रही हों और साथ न चल रही हों। और इसलिए हमें लगा कि जब हम योगी सरकार के एक साल के कामकाज का हिसाब जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो महिलाओं के लिए क्या हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है। और हमने दो बड़ी सशक्त महिलाओं को बुलाया। अपर्णा यादव हमारे साथ हैं, मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, प्रतीक की पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई हुई है, राजनीति में सक्रिय हैं और महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं। और हमारे साथ स्वाति सिंह हैं जो कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं और फायर ब्रांड नेता भी हैं। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ सवाल की शुरुआत करूं, उससे पहले स्वाति जी, मेरा एक सवाल आपसे है। एक दौर था जब महिलाएं या गृहिणी जो होती थी वो घर में अपने पल्लू में चाबियों का गुच्छा बांधती थी। आपके पल्लू में मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि जिम्मेदारियों का गुच्छा है और विभागों का गुच्छा। आपके पास एनआरआई मंत्रालय भी है, बाढ़ नियंत्रण, कृषि आयात, कृषि विपणन, परिवार कल्याण, महिला कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण। इतना सब आप अपने पल्लू में बांध के घर भी कैसे चला रही हैं और ये विभाग भी कैसे चला रही हैं? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं और आप कैसे चला रही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जिस सरकार का मैं हिस्सा हूं, कहीं ना कहीं वो महिलाओं को इतना सशक्त मानती है कि महिलाएं घर के साथ साथ इतनी जिम्मेदारियां उठा सकती हैं और इसीलिए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। दूसरी बात, मेरा खुद का ये मानना है कि एक महिला के ही अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो घर के साथ साथ अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ साथ अपना प्रोफेशनल लाइफ भी इक्वली देख सकती है। अच्छी बात है। मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूं उसको कुछ आंकड़ों के साथ रख रहा हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम बैठकर ये मंच कर रहे हैं वो कई मामलों में आगे है, लेकिन ऐसे मामले हैं जिनमें कोई आगे न हो तो बेहतर है। जैसे 10 से 19 साल की बच्चियां जिस राज्य में सबसे ज्यादा ब्याही जाती हैं वो उत्तर प्रदेश है और ये सरकारी आंकड़े हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है पूरे देश में, 27.8 उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। इंडिया में एवरेज जो है वो 11.7 है। इसी तरीके से यहां हर 15 मिनट में करीब एक महिला के साथ कोई ना कोई अपराध हो रहा है और 2016 में सबसे ज्यादा रेप केसेस अगर कहीं हुए थे, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, वो उत्तर प्रदेश में। एक साल में स्वाति जी, इनमें से क्या कुछ बदला है और क्या बदलने वाला है? बिल्कुल, आपने जैसे बोला, जो भी चीजें आप बता रहे हैं वो नहीं होना चाहिए किसी भी बच्ची या किसी भी महिला के साथ, लेकिन जो आप डेटा मुझे बता रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये एक साल में ये डेटा आपको उपलब्ध, ये एक साल का डेटा आप बता रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों को लेकर के जो समस्या है या कभी ये एक साल में ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? ये ऐसी समस्याएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं। बड़ा अफसोस होता है कि पिछले 70 साल हो गए हमको आजाद हुए, किसी ने महिलाओं और बच्चियों की बात नहीं की। आज मोदी जी महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज योगी जी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप हमसे ही ऐसे सवाल पूछते हैं। ये वो सरकार है जहां पर महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, गर्भ में पल रही बेटी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हम उसकी बात करते हैं। नहीं स्वाति जी, मेरा सवाल ये था कि इसको बदलने के लिए मैं शुरुआत कर रही हूं कि गर्भ में पल रही बेटी की भी सुरक्षा की हम बात करते हैं। मुखबिर योजना जिसकी शुरुआत हमने की कि भ्रूण हत्याएं होती हैं, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण एक महिला, एक बच्ची के उससे होता है, एक औरत करती है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, हम इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, आप उसकी हत्या करा देते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं। जब बेटी ही पैदा नहीं होगी तो ये कैसे चलेगी ये दुनिया, ये लोग समझते नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने मुखबिर योजना की शुरुआत की, हम लोगों ने 181 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जहां महिला को एक ही छत के नीचे आशा ज्योति केंद्र है जहां पर उसको पुलिस सिक्योरिटी से लेकर अगर कोई उसको मेडिकल की जरूरत है तो उससे लेकर के उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है, सारी चीजें उसको एक छत के नीचे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या क्या चीजें आपको बताऊं,
अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 8 मार्च को एक कार्यक्रम किया था, उसमें आपने देखा होगा कि जो निराश्रित महिलाएं हैं वृंदावन में रहती हैं, ऐसी महिलाएं जिनको उनके घर के लोग बाहर निकाल देते हैं, वो एक आश्रय एक ऐसे घर में रह रही हैं, एक ऐसे आश्रम में रह रही हैं जहां पर उनके परिवार के लोग नहीं रह रहे हैं, अकेले रह रही हैं। हमने उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जो उन मंदिरों में जो फूल वहां से निकाल करके और उससे गुलाल बनाने का काम, अगरबत्ती बनाने का काम, धूप बनाने का काम, हम तो ऐसी माताओं को भी सशक्त बना रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और वो अपना कोई डिसीजन ले सके। हम एक बच्ची से लेकर के एक बुजुर्ग माँ तक के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। अपर्णा जी बेहतर बता पाएंगी क्योंकि आप यहीं रह रही हैं, प्रदेश की हैं, एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर बहुत सालों से वो सत्ता में रहा है। और जो स्वाति जी कह रही हैं उसका सीधा सीधा इशारा ये था कि आप लोगों ने यहां पर इतने साल किया नहीं, ये एक साल में क्या करेंगी, तो आप पर भी सवाल है। और एक साल में आपको लगा कि योगी सरकार में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है? देखिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि जिस प्रकार से सरकार के जितने प्रोग्राम्स हैं और जिस प्रकार से आपने मुझे बताया कि इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और सकारात्मक रूप से उसको कोई दिशा दी जा रही है, पर मैं भी कुछ डेटा लेके आई हूं अपने साथ। और सीआरबी के तहत ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, पिछले एक साल में करीबन 400% राइज हुआ है क्राइम इन यूपी, विच इज हाईएस्ट इन हिस्ट्री। ये मैं नहीं बोल रही या सरकार का कोई ये प्राइवेट रिकॉर्ड नहीं है या सेंट्रल उसका नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो पूरे देश में आकलन करता है और आप भी बिलीव करते हैं, तो ये चीज है। मैं ये बस इतना कहना चाहती हूँ कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो एक दिन में नहीं हो सकता, 75 साल में नहीं होगा, मगर हाँ, बदलाव की राजनीति लाने के लिए हमें राजनीति के ऊपर सोचना पड़ेगा। वो चाहे महिलाओं की तरफ हो, वो पुरुषों की तरफ हो, बच्चों की तरफ हो, किसी भी वृद्धों की तरफ हो, पर सकारात्मक पहल किसी भी सरकार में शुरू होती है तो वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सरकार जब थी तो हमने कोई काम ही नहीं किया। भाई 1090 सबसे बड़ा द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन इंडिया, 1090, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 1050 शुरू किया। मैं खुद कमिश्नर बस्सी साहब से मिलकर आई थी एंड ही सेड दैट इट इज द मोस्ट एंटरप्राइजिंग वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट दैट आई हैव एवर सीन, जो बीएल बस्सी साहब कमिश्नर। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी, जी। जी, क्योंकि आप आंकड़े एनसीआरबी की गिना रही थी, एनसीआरबी के कुछ आंकड़े मैं भी लेकर आया। जी जी, मई 13, 2007 से मार्च 14, 2012 जो मायावती की सरकार थी उसमें 97,000 केसेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज हुए। देखिए, आप इस साल की बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया था, वरना मैं पूरे रिकॉर्ड निकाल के लेके आती। मैं इसी साल पे जी, आपके समय में 2012 से 2017 के समय वो आंकड़ा डबल हो गया, लगभग 97,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गया। मेरा सवाल यह है कि मैं इनसे तो पूछूंगा, लेकिन इनका जो तर्क है कि आप लोगों ने एक ऐसा समाज दिया पिछले 5 साल में तैयार करके जहां महिलाओं के खिलाफ इतना अपराध हो रहा था, उसको एक साल में सुधारा जा सकता है क्या? देखिए, ऐसा हमारे सरकार में जब आप ये आंकड़े गिनवा रहे हैं तो महिलाओं के लिए जितनी स्कीम निकाली पिछली सरकार ने, आई डोंट थिंक कि किसी भी सरकार ने इतना अच्छा काम किया होगा। मैं आपको बार बार वही चीज बता रही हूं कि एक दिन में, जैसा आपने कहा वही मैं भी बात कह रही हूं, सबसे पहले मैंने इसी बात से शुरू करी कि सकारात्मक पहल करना किसी भी सरकार के लिए अनिवार्य है और वो किसी भी दिशा में हो, तो सबसे जरूरी बात है कि हमने पहल क्या करी, उसका लाभ हमें कितना मिला। 1,27,000 केस तो हमने सबसे पहले साल में, जब 1090 का बिल्कुल बेबी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तब हमने सॉल्व करी है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि कोई भी सरकार अगर काम कर रही है ये अच्छी बात है, पर सोसाइटी में इसका बदलाव हम कैसे करेंगे, वो चाहे हम इस तरीके के डिबेट शोज में या अपने मंचों से कहें कि भाई इस तरह से ना करिए और ये चीज खुद भी ना करें, खुद में मतलब और भी लोग अपने परिवार में इस तरीके की चीज ना होने दे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बच्ची को कोई भी क्राइम होता है उसको कहते हैं चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, घर में क्या सोचेंगे सब लोग। तो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन जो हर आदमी आजकल बात कर रहा है कि इसे हम कैसे साइकोलॉजिकली कैसे दूर करें, इस पे हमें फोकस करना होगा। लेकिन स्वाति जी, जो वो आंकड़े गिना रही थी, अगर आप ये कहें कि उन्होंने हमें ऐसा बना के दिया तो आपको लाए इसी के लिए थे ना कि आप बदलाव लाएंगे, तो फिर आंकड़े कैसे हैं वैसे? देखिए, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा इस मन से कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने ये बोला कि जो आंकड़े आप शो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसी एक साल में हो गया।
ये सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और सारे इनिशिएटिव ले रही है कि किस तरीके से हम क्राइम को रोकें अपने प्रदेश में। और ये हर कोई मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर अब कंट्रोल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% क्राइम खत्म हो गया है और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कहीं भी अपने कदम पीछे नहीं कर रही है। जो भी उसमें जो भी अगर कोई भी दोषी पाया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। अपर्णा जी, मैं इसमें जोड़ दूं, क्योंकि आप जो कह रही हैं, क्या महिलाएं आज बाहर निकल रही हैं तो पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, महिलाएं आज निकल रही हो, वो कल निकल रही हो, वो पहले भी निकल रही थी। महिला, मैं पहले भी बोल चुकी हूं, अगर दबंग है तो उसको निकलने में किसी बात की डर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो महिला खुद में सशक्त है, बहुत ज्यादा सशक्त है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब रात में जिस प्रकार से जो क्राइम इतना आप बता रहे हैं, मैंने भी आपको एनसीआरबी के डेटास बताए, इससे हम जो है आंख में चोली नहीं खेल सकते कि दे आर नॉट सेफ ऑन रोड्स। बट हाँ, महिला के अंदर अपनी विल पावर जरूर है कि वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यहां बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या आप हाथ उठाकर बता सकती हैं आप में से कितनों को ऐसा लगा है कि पिछले एक साल में जब से योगी सरकार आई है और आप लोग शाम में बाहर निकलते तो ज्यादा सेफ महसूस करते हैं? जिनको सेफ लगता है वो हाथ उठा दें। अब बताइए स्वाति जी, हाथ ही नहीं उठा। आपने बिल्कुल, हाँ कुछ को लगता है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो गया है, बट हमने काफी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया। एक चीज, मैं जिन महिलाओं ने हाथ पहले उठाए थे और नीचे कर लिए, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने घर में सुरक्षित हैं? मैं इन जनरल पूछ रही हूँ। आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने मुझे इस जगह पे पहुंचाया। मैं महिलाओं की प्रॉब्लम्स को देखती हूँ कि महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है। अभी मैं बिल्कुल आपकी बात को सही मानती हूँ कि हमें अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा, और वो परसेप्शन चेंज कहां से होगा? जब हम अपने घर में ये बताएंगे कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो, माँ बेटी बहन और पत्नी के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, अपनी विचारधारा को मत चेंज करिए, महिला मतलब महिला होती है। आप अगर महिला के लिए बताएंगे कि महिला का किस तरीके से सम्मान होना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, क्योंकि हमारे समाज में ये सिखाया जाता है कि माँ के लिए अलग सोच, बेटी के लिए अलग सोच, बहन के लिए अलग सोच और पत्नी के लिए अलग सोच, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने बोला, या जिन मैं जो मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ही हम सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में सुरक्षित हैं? कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति से मार खाती हैं? कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनको घर से बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें भेजा नहीं जाता है? और कितनी ऐसी बच्चियां जिनके घर के लोग ये कहते हैं, अभी एक कार्यक्रम में मैं गई थी, वहां गांव के वो आए थे, पंचायत पूरी आई थी उनके, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हमारा ये परसेप्शन है कि बच्ची है अपने घर चली जाए, शादी हो जाए, सुरक्षित रहेगी। मैं ये कहती हूँ, जब आप अपनी बेटी को, माँ बाप अपनी बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो वो ससुराल में जाके कहां से सुरक्षित रहेगी? तो मुझे लगता है, स्वाति जी, मैं आपको सुनता हूँ तो बहुत प्रभावित महसूस करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। कम से कम हम लोग दिल्ली या मेट्रोज में तो महिलाओं को ऐसा ही देखते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, तो अच्छा लगता है कि सब सशक्त हो रही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप भी अपने घर में थी, आप राजनीति में तब आई जब आपके पति विवाद में फंसे और उसके पहले आप चूल्हा चौका ही देख रही थी। अगर सब कुछ बराबर होना चाहिए तो आपके पति ने पहले आपको राजनीति में क्यों नहीं लाने का फैसला किया? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि चूल्हा चौका से पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, ये मैं बता दूं। और चूल्हा चौका मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, मुझे मेरे बच्चों को टाइम देना था, और मैं घर में भी बैठ के फ्रीलांसिंग काम करती थी, ये मैं आपको बता दूं। मैंने कहा शुरुआत में, मैंने कहा था कि एक महिला ही इतनी सशक्त हो सकती है कि वो अपने घर के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देख सकती है। मैं अपने घर में जरूर थी, अपने बच्चों को जरूर पाल रही थी, अपना घर जरूर देख रही थी, लेकिन साथ साथ मैं अपना फ्रीलांसिंग भी करती थी। स्वाति कह रही थी कि परिवार में महिलाओं को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, आप तो एक ऐसे परिवार से हैं जो राजनीति में इतने सालों से है, और हम जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं तो कांग्रेस की बात होती है तो लोग कहते हैं प्रियंका गांधी को आ जाना चाहिए, राहुल गांधी से उनको आगे करना चाहिए। आप ऐसे परिवार से हैं जो अभी पिछली इतनी करारी हार उन्होंने झेली विधानसभा चुनाव में, आप क्यों नहीं आगे आती हैं? आप क्यों फेस नहीं बनती हैं? क्यों अखिलेश यादव ही फेस हैं? भाई, वो हमारे घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, और उनको जो है एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, जो मुझे नहीं है अभी, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई। वो 25 साल तो उनको ऐसे ही हो गए राजनीति करते करते। स्वाति जी को देखिए अनुभव नहीं था, इतने मंत्रालय योगी जी ने दे दिए आपको, तो अगर देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा? तो वो एक मंत्री हैं अभी, तभी योगी जी वो हैं अभी, उनको भी उतना टाइम हो गया। आप बीजेपी में आने की नहीं सोच रही? मोदी जी आपको पसंद भी बहुत है। आप सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है, मुझे तो ये लग रहा है, मैं तो सपा में हूँ।